फिर से प्रदेश की जेलों में सुरक्षा पर उठे सवाल। उदयपुर में पार्टी की तस्वीरों के बाद खानापूर्ति की जांच, शक के दायरे में सरकार की चुप्पी। इस बार गंगानगर कलेक्टर की बदजुबानी का ऑडियो हुआ वायरल, विपक्ष ने की कार्रवाई की मांग। उपाध्यक्ष राव राजेंद्र ने सरकार को दिए तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। रोहतक में कबड्डी खिलाड़ी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई। मर्डर की पूरी वारदात नहीं लगा हत्यारों का सुराग। मैडम तुसाद म्यूजियम में नजर आएंगे पीएम मोदी, वैक्स स्टेच्यू के लिए लिया गया नाप, अप्रैल से दिखेगी प्रतिमा। और आधी रात से लगेगा महंगाई का डंक, पेट्रोल 3.07 रुपए महंगा तो डीजल चढ़ा 1.90 रुपए। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। क्या राजस्थान की जेलों में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, या फिर जेल स्टाफ की कमी का फायदा अपराधी उठा रहे हैं, या आपके नजरिए से सवाल कोई और तरीके का भी हो सकता है, पर मसला जेलों का ही है। जिस तरह से आनंद पाल सिंह नाम का अपराधी सलाखों के पीछे से गैंग चलाते चलाते एक दिन हमारे पुलिस तंत्र के मुंह पर तमाचा जड़ जाता है, उसके बाद से लगने लगा था कि जेलों की दीवार कमजोर है और शायद सरकार को इस बात का एहसास हो चुका होगा। इसके बाद भी कई बार जेलों में मिलने वाले मोबाइल और ऐशो आराम के सामान सिस्टम को चिढ़ाते रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बेहतर जेलों में शुमार। उदयपुर से जब बीते दिनों कैदियों के बीच की शराब पार्टी की तस्वीरें बाहर आई तो ये समझ आ गया कि जेलों में अपराधियों के लिए शेरगाह तैयार है। जाहिर है ये सिस्टम जारी है और क्या इसे बदला जा सकेगा, बात इसी पर बिग फाइट लाइव में की जाएगी। कारागार या शेरगाह, बात करेंगे कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर साहब हमारे साथ है, बीजेपी नेता कृष्ण साहू साहब हमारे साथ है, पूर्व जेल अधीक्षक ए के नियाजी साहब हमारे साथ होंगे, साथ ही विश्लेषक मार्जिन खंडेला जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही जिस सूरत हाल का जिक्र कर रहे हैं उस रिपोर्ट पर भी एक नज़र कर लेते हैं। मंगलवार को जहां विधानसभा में दिन भर बहस के बाद पुलिस की 4,468 करोड़ और जेल की 147 करोड़ की अनुदान मांगे पारित कर दी गई, वहीं ये उम्मीद भी जागी कि राजस्थान की जनता को अपराध और अपराधियों से राहत मिल सकेगी। लेकिन जब सदन में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जेलों की तस्वीर को बयान कर रहे थे, उसी वक्त उनके गृह जिले की जेल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। तस्वीरों से साफ हो गया कि हार्डकोर अपराधियों के लिए जेल जेल नहीं बल्कि ऐशगाह है। तस्वीरों में जेल की बैरक में कैदियों की शराब पार्टियां नजर आई और हार्डकोर कैदियों के हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी नजर आए, जिससे वे अंदर होते हुए भी बाहर लोगों को धमकियां देने के साथ ही तमाम गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहे हैं। सामने आया है कि कैदियों को जेल के अंदर ऐश अय्याशी का सारा सामान उपलब्ध हो जाता है और उसके लिए बस मोटी रकम देनी पड़ती है और ये रकम वो मोबाइल फोन के जरिए बाहर लोगों को धमका कर मंगवाते हैं, जो आखिर में जेल अधिकारियों तक पहुंचती है। एक तरह से ये हार्डकोर अपराधी जेल में बैठकर अधिकारियों की जेबें गर्म करने का काम कर रहे हैं। पता ये भी चला है कि निलंबित प्रमुख शासन सचिव अशोक सिंघवी को जेल में सभी सुविधाएं मोटी रकम के बदले उपलब्ध करवाई गई थी। बाद में सिंघवी सेटिंग करके जयपुर जेल में ट्रांसफर हो गया।
ये सब मामले जेल की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खोलते हैं। अक्सर देखा गया है कि कैदी जेल में से मोबाइल फोन के जरिए आपराधिक नेटवर्क चलाते हैं और जेलों से कैदियों के फेसबुक और व्हाट्सएप अपडेट भी देखने को मिल जाते हैं। यही कारण है कि जेल में बंद होने के बाद भी आनंदपाल जैसा हार्डकोर अपराधी कुछ लोगों के लिए हीरो बन गया। अपराधियों से सांठगांठ और मिली भगत का ही नतीजा है कि आनंदपाल कड़ी सुरक्षा के बीच से ही फिल्मी अंदाज में फरार हो गया। फरारी के 6 महीने बाद भी आनंदपाल का पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है और अब तक मामले की चार्जशीट भी पेश नहीं हो सकी है। जेल में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे नहीं है पर कैदियों के पास स्मार्टफोन है। क्या यही कारण है कि प्रदेश में जेलों से ज्यादा अपडेट कैदी है? ये पहला मौका नहीं है जब सेंट्रल जेल में कैदियों की शराब पार्टी का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी कई बार कैदियों की जेल में पार्टियों की खबरें बाहर आई है, लेकिन जेल प्रबंधन हमेशा अपनी कमीज सफेद करने के चक्कर में ऐसी बातों को दबाता रहा है। कैदियों के ऐश करते हुए फोटो और वीडियो के बाहर आने के बाद उदयपुर जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानंद में जेल आईजी यूएल छानवाल ने इस मामले की वास्तविक रिपोर्ट तैयार कर डीजीपी जेल को भेजी है। साथ ही जाँच के आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लेकिन क्या ऐसा सच में मुमकिन है कि जेल कारागार या ज्यादा सैरगाह बन गई हो और आईजी साहब को खबर भी ना हो? अगर वाकई ऐसा है तो चौंकाने वाली बात है। ऐसे मामलों के सामने आने के बाद सवाल भी उठते हैं कि क्या प्रदेश की जेलों में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है या फिर जेल स्टाफ में कमी का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। और इसी के साथ बहस में आज का सवाल, क्या प्रदेश की जेलों में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय से मुखातिब होंगे। firstindianews.com हमारा वेब पेज है। इसके साथ साथ फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। याजी साहब, आपके फील्ड का मामला है इसलिए सबसे पहले आपसे मुखातिब होते हुए जानना चाहता हूँ कि उदयपुर जेल से तो आप मुखातिब होंगे, जानते होंगे हालात को, क्या ऐसे सूरत हाल शुरुआत से रहे होंगे? ऐसा नहीं है, ये उदयपुर जेल बहुत ही सुरक्षित जेल रही है और जेल की स्थिति ऐसी है कि ये जो सड़क जारी है उससे काफ़ी ऊपर बनी हुई जेल है, चारों तरफ से सुरक्षित है। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे ये मोबाइल और इसके नेटवर्क बढ़ रहे हैं उसकी वजह से सारा हमारे ऊपर सारी समस्या आ रही है। जेल के गेट की तो हम बराबर मैं बीच में रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, एक सवाल है मेरा कि, और दरअसल ये जानने की दिलचस्पी भी है और शायद दर्शकों को भी होगी। जेल पर प्रहरी होता है, प्रहरी के जिम्मे होता है कि हर चीज को नियंत्रित करे। जेल के अंदर भी गार्ड्स होते हैं, अंदर इस बात पर नजर रखी जाती है कि कौन क्या कर रहा है, उसके साथ साथ अधिकारी भी तैनात रहते हैं। तो कमी कहाँ से, दरवाजे पर है, दरवाजे से लेकर अंदर तक है या ऊपर तक है? देखिए ऐसा है, सबसे पहला चीज़ जो है वो दरवाज़ा है। दरवाजे से ही बंदी अंदर प्रवेश करता है और दरवाजे पे ही चेकिंग होती है। बंदी, सबसे बड़ा बात यह है कि बंदी कभी भी अकेला जेल के अंदर प्रवेश नहीं करता है। बंदी को जब भी लाया जाता है उसके साथ पुलिस आती है, पुलिस का जाब्ता उसको लेकर जेल के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वो अस्पताल जाए, चाहे वो पेशी पे जाए, चाहे वो कहीं से ट्रांसफ़र होकर आए। जाहिर मैं बिल्कुल फिर आपसे मुखातिब होंगे और सवाल रहेगा। घनश्याम मेहर साहब, ये जो तस्वीर देखी उसके बाद आपको क्या लग रहा है? कल विधानसभा में एक और सवाल होगा आपकी तरफ से। देखिए अश्वनी जी, ये तंत्र गार्ड के ऊपर नहीं डाला जा सकता। पूरे प्रदेश का पुलिस तंत्र खराब है, जेलों की हालात ये है। गृह मंत्री जी अपनी असमर्थता जाहिर कर चुके हैं कि अधिकारी हमारी नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं चूक नीचे से लेकर ऊपर तक है। पूरे प्रदेश की जेलों के ऐसे ही हालात हैं, जेलों में मोबाइल जा रहे हैं, जेलों में जो भी सामान बढ़िया से बढ़िया जो मंगाते हैं और पैसा कलेक्ट किया जाता है अधिकारियों की जेबों तक वो पैसा जाता है। एक गार्ड पर इस बात को थोपना बिल्कुल गलत है, एक गार्ड इस काम को नहीं कर सकता।
अधिकारी ऊपर तक के ऊपर सरकार तक पूरा मामला खराब है। जिम्मेदार ज्यादा कौन है, सरकारी तंत्र या फिर प्रशासनिक तंत्र? नहीं, प्रशासनिक और सरकारी तंत्र दोनों जिम्मेदार हैं इसके। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं डाली जा सकती, प्रदेश की जो सरकार है वो जिम्मेदार है इसमें। वो अगर अंकुश नहीं रख सकते तो फिर गलत बात है। एक गार्ड पर डालना, गार्ड बेचारा क्या कर सकता है, वो तो उन अधिकारियों के कहने के अनुसार काम करता है। और जब तक ऊपर के अधिकारी या सरकार के लोग नहीं कर सकते तो इस तरह का कोई कार्रवाई जेल में नहीं। शिवचंद साहू साहब, सवाल करूं उससे बेहतर है कि आप जवाब दे दीजिए, आप बता दीजिए कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल। जैसा परिस्थितियां सामने आ रही हैं और मेयर साहब ने भी उस बात को बढ़ाया, मैं कहना चाहूँगा कि अभी भ्रष्टाचार का इतना बोलाबाला हो गया है कि वो सरकारी तंत्र में सिपाही से लेकर के ऊपर तक कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाता है और उससे भ्रष्टाचार में काफ़ी ऊंचे स्तर तक लोग शरीक होने लगे हैं। इस वजह से जो चौकसी रहनी चाहिए, जो सिपाहियों पर बंदिश रहनी चाहिए, वो बंदिश ढीली होती है, जिसकी वजह से ऐसी पार्टी और ऐसे आयोजन होते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जेल प्रभारी की या जेल अधीक्षक की कमी रही होगी, जिस वजह से ही ऐसा हुआ है, वरना जेल अधीक्षक और जेल प्रभारी के ज्ञान के बगैर ऐसी पार्टी होना कतई संभव नहीं है जैसे देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में कमी रही है, जिसका परिणाम उदयपुर जेल में ऐसा हुआ है। और थोड़ा सा मैंने मैं एक बात और करना जानना चाहता हूं आपसे कि सरकारी सिस्टम में इसी कमी का जिक्र हमने तब भी सुना था बीजेपी नेताओं की जुबान से जब अनंत पाल सिंह फरार हो गया था, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ और आगे भी क्या ऐसा ही होता रहेगा, सबक कब लिया जाएगा? निश्चित रूप से गृह मंत्री जी सारे सिस्टम को चेक करने में लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही जो है फेर लीजिए। मेयर साहब कह रहे हैं कि वो असमर्थ है, वो स्वीकार कर रहे हैं विधानसभा में कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं है, इसमें जो जैसी भर्ती होती है कुछ स्टाफ की कमी रहती है, कुछ जो पुराना डर्रा बना उसको सुधारने में समय लगता है, ये सारी परिस्थितियां हैं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं बस की बात नहीं है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। वो बस की बात नहीं है, उनने ये अमित शाह के सामने कहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके सामने कहा है कि हमारी सरकार में अधिकारी नहीं मानते, हम असहाय हैं और हमारा अंकुश खत्म हो चुका है सरकारी कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे। तो इससे ज्यादा और वो क्या वक्तव्य देंगे, तो पूरा तंत्र ही खराब हो गया है। तंत्र तो खराब ही मिला था, उसको सुधारने का प्रयास हर सरकार ने किया और इस लाल फीताशाही के सिस्टम में उस तंत्र को सुधारने में जो प्रजातंत्र से चुन के आते हैं वो प्रतिनिधि असमर्थ रहे, उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो। सरकार बीजेपी की वर्तमान में, पूरे कांग्रेस में भी जेलों में ऐसे भूत सारे घोटाले हुए हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि समाज में भ्रष्टाचार जो व्याप्त हुआ है सर, वो सवाल तो आपसे करेंगे। आनंद पाल सिंह आपके राज्य में भागा, जो तस्वीरें हैं आपके राज्य में सामने आई है, मैं लौटूंगा इसी सवाल को लेकर। उससे पहले खंडेला साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी तीखी टिप्पणी का मुझे इंतजार है। देखिए मैं तीखी नहीं, मैं वास्तविक टिप्पणी कर रहा हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी अपराधी है, बड़े अपराधी, वो जो है उनकी वहां ऐश गायब है, अयाशी का अड्डा है, बल्कि सबसे बड़ी बात है वो सुरक्षा का जो है क्षेत्र है उनके लिए, और वहां बैठकर वो उनको खाली लेन देन करना होता है। और देख सवार यारा आंखें कमजोर नहीं है वहां रहने वालों की, वहां के हाथ पांव उनके कमजोर नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है। और इस तरह की पार्टियां अगर हो रही हैं तो आप ये कहेंगे साहब गार्ड, देखिए मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा काम जो अगर खड़ा रहता है बेचारा तो वो गार्ड करता है, और अधिकारी जो है वो कोई काम नहीं करते, वो केवल सेटिंग करते हैं, राजनेताओं की इशारों पर काम करते हैं, इधर से उधर अपराधियों को करते हैं और अपनी जो है असमर्थता केवल ये कहते हैं कि साहब वहां पे स्टाफ नहीं। अब दो तीन बातें यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं। सबसे सक्षम यानी ईमानदार अधिकारी के नाम पर जिसको लगाया गया है जेल विभाग में, उनके आने के बाद बंटाधार हो गया है। आनंद पाल बड़ा आनंद से है, और ये जो कुछ पार्टियां हो रही है ना, ये मैं समझ लानत है, ये हमारे लिए धिक्कार है। इस तरह का शासन और प्रशासन इनके लिए बेइज्जती की बात है, और जनता तो बिचारी है और वो बिचारी रहेगी। लेकिन मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि साहब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, अरे भाई सिंपल सी बात है, पहले भी हाथ से पकड़कर देखते थे, अभी भी हाथ से पकड़कर देखते हैं, अंदर जाते हैं। सवाल यह आ रहा है कि ऊपर से कौन फेंक रहा है उनको, या सामान के साथ में कौन ले जाने दे रहा है, या जो पार्टियां हो रही उसमें शिरकत कौन कर रहा है वहां पर, जब वो ले जाते हैं शराब कौन परोस रहा है, उनके लिए नमकीन कौन लेकर आ रहा है। बिल्कुल, अगर आप न्यायालय में ले जाते हैं तो ढीला कौन होता है और उसको भागने कौन देता है, उसके बाद में तथाकथित रूप से उसका पीछा कौन करता है, ये सारी चलिए मर्ज तो है हमारे सामने, लेकिन इसका इलाज क्या हो सकता है, सवाल इसी का है। मैं लूंगा इलाज पर भी राय लूंगा, ब्रेक का कॉल है, छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।